मुझ पर गिर जाता तो मैं चपटा हो जाता। आपका फुक्रिया थुक्रिया मतलब शुक्रिया सर, मैं इन स्टेसी स्पॉट्स को इसी वक्त सही जगह पर रख देता हूँ। फिक्स इट, मैंने तुम्हें और साइड स्वाइप को ये काम मिलकर करने को कहा था ना? कहा था सर, लेकिन साइड स्वाइप के स्टेबलाइजर में गड़बड़ है, इसलिए उसने मुझसे ये काम अकेले ही करने को कहा। मजा आ गया। मुझे लगता है साइड स्वाइप तुम्हारा फायदा उठा रहा है। बिल्कुल नहीं सर, साइड स्वाइप ने कहा कि वो हाथी का पिंजरा साफ करने की मेरी ड्यूटी अगले 5 सालों तक करेगा। हिसाब बराबर। नहीं फिक्स इट, हमारे पास हाथी है ही नहीं। ओह, तो मैं अब तक क्या साफ कर रहा था? साइड स्वाइप। मजा आ गया। साइड स्वाइप, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी टीम मेंबर्स का फायदा उठाना बंद करो। और वैसे तुम ये सुन क्या रहे हो? मुझे ये गाना पसंद है। इस ग्रह का म्यूजिक वाकई बहुत अच्छा है। धुन बहुत कैची है और बोलों के एक नहीं कई मतलब हैं। मुझे वो धुमचक धुमचक बहुत पसंद है। लेकिन साइड स्वाइप, हमें अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। कस्टमर आ रहा है। हम जो मांगेंगे चुपचाप दे दो, वरना कस्पीगो तुम सबको बर्बाद कर देगा। ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिसगाइज As the Cospigo commands. Cospigo? कहानियाँ सुनी है। कहते हैं कि 12 सिंगा जैसा कोई विशाल जीव है जो 2 पैरों पर चलता है, और पता है उसमें 1000 इंसानों की ताकत है। मुझे भी लगता था कि कस्पीगो सिर्फ कहानियों में है, लेकिन फिर मैंने उन्हें देखा। कस्पीगो ने कहा था, मुझे कुछ चीजें चाहिए और तुम्हें उन्हें मेरे लिए लाना होगा, वरना मजबूरन मुझे तोड़ फोड़ करनी होगी, और शुरुआत तुम्हारी हड्डी से होगी। मैंने अपनी कहानी इन दोनों को सुनाई, इन्होंने भी आकर कस्पीगो को देखा, अब ये भी उन्हें सच मानते हैं। हम सबको कस्पीगो के हुक्म का पालन करना होगा, वरना और चीजों के पैसे कस्पीगो आकर देगा? ओ, नहीं नहीं, आर्नोल्ड देगा, यानी कि मैं। तो मैं तुम्हारे और कस्पीगो के लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तो हमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, पर कस्पीगो को अभी चाहिए 12 किलो सोल्डरिंग लेड, 441 2 इंच के कीले, 37 यार्ड लंबा स्टील केबल और एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, आप यही इंतजार कीजिए, हम आपके लिए ये सब लेके आते हैं। 14 रिले स्विचेस। रसल, उन्हें जनरेटर मत देना, मैं बाद में समझाता हूँ। लगभग सारी चीजें ले आए, बस मुझे क्रेन शुरू करने के लिए 5 मिनट दो। और हाँ, जनरेटर भी ले आऊंगा। डैड, हमने आखिरी जनरेटर तो कल ही बेच दिया था, आप भूल गए क्या? वो तो यही रखा था ना? नहीं, हमने उसे मिस्टर बम्बलबी को बेच दिया। सॉरी। इस इलाके में इतनी हाई कैपेसिटी वाला दूसरा जनरेटर तो डैम में लगा है, वो तो बिकाऊ नहीं है। कस्पीगो बहुत नाराज होंगे, वो अपनी सींगों से हमारा कीमा बना सकते हैं। हमें जाना होगा। कोई उन बेचारों को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठा रहा है, कस्पीगो का नाटक करके। वैसे हम उन्हें जनरेटर क्यों नहीं बेच सकते थे? क्योंकि डैनी, मुझे शक है। मैं वापस आ गई लेफ्टिनेंट, लेकिन मिशन बिल्कुल सुपर फ्लॉप था। मुझे स्पेसशिप के क्रैश साइट पर कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, सिवाय इसके।
चलो यहाँ से, एक पुरानी चीज की छुट्टी तो हुई। वाह, मुझे लगता है हम इससे डिसेप्टिकॉन की छुट्टी कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक न्यू फोर्ज है। साइड स्वाइप, अब तुम्हारे स्टेबलाइजर की तबीयत कैसी है? फिक्स इट, थोड़ी और जानकारी दो। ओ हाँ, साइड स्वाइप का स्टेबलाइजर खराब हो गया था इसलिए मैंने न्यू फोर्ज के बारे में। क्या हमारे पास न्यू फोर्ज है? कहाँ? ये तो न्यू फोर्ज है। संभल कर, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। साइबरट्रॉन के हर कैदी जहाज को न्यू फोर्जेस दी जाती थी। ये करता क्या है? न्यू फोर्ज अपने यूजर के दिमाग के सर्किट के साथ जुड़ जाता है और वो जिस हथियार की कल्पना करे ये वो हथियार बन सकता है कुछ हद तक। फिर तो ये खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही मजेदार है। प्रोटो ब्लास्टर। मैंने कहा प्रोटो ब्लास्टर। हे प्रोटो ब्लास्टर। कुछ तो गलत कर रही हूँ। ये चीज दिमाग से चलती है मैडम, सही तरीके से सोच सकती तो ये जरूर चलता। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाए। कहीं ऐसा कुछ न सोच बैठो जिससे बाद में पछताओ। तो तुमने मुझे वो जनरेटर बेचने क्यों नहीं दिया बम्बल बी? मैं उसकी जगह पर अपने ये पुराने फ्रिज रख देता तो ये बच जाती। मेरे बेचारे प्यारे फ्रिज। वो जो कस्पीगो वाली लिस्ट थी उसकी चीजें खतरनाक नहीं लग रही थी, पर थी। मुझे शक है कि वो कस्पीगो हमारा कोई डिसेप्टिकॉन है। वो इंसानों को डराकर अपना काम निकालना चाहता है। वो उनसे चीजें मंगाकर स्पेस ब्रिज बनाना चाहता है। स्पेस ब्रिज मतलब हम घर जाकर और सिपाहियों को ला सकते हैं? घर या जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं, अगर वो स्पेस ब्रिज सही तरह से बना दो। उसे बनाना आसान नहीं, जरा सी भी गलती होने से वो जगह एक ब्लैक होल जैसी चीज बन जाएगी जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है या वो तबाह हो सकती है। लेकिन हम होने नहीं देंगे। आकुमोर स्पेसशिप की कैदियों की लिस्ट में थंडरहूफ नाम का एक डिसेप्टिकॉन है जिसके सिर पर सींग है। हम सबको जाकर डैम के जनरेटर की रक्षा करनी चाहिए। सही कहा ऑटोबॉट्स। फिर से कोई बेकार सी लाइन बोलेंगे? नहीं, इस बार लाइन अच्छी होगी। चलो जाएं जनरेटर बचाएं। अच्छी नहीं है? मुझे तो अच्छी लगी। साइड स्वाइप, तुम और ग्रिमलॉक यहीं पर रुककर जनरेटर पर नजर रखो। स्ट्रॉन्ग आर्म हम इलाके की अच्छी तरह छानबीन कर लेते हैं। मैं जरा घूम कर आता हूँ। बम्बलबी ने हमें यहीं रुकने को कहा है। हाँ, यहाँ मतलब है ये जगह भी और इस जगह के आसपास की जगह भी। ओ। ऐसे डराना बंद करो। तुम ग्रिमलॉक के साथ क्यों नहीं हो? वो यूं हुआ कि दरअसल। कौन है तुम? क्या उन सींग वाली टोपी पहनने वालों ने ये किया? नहीं, ये डिसेप्टिकॉन ने किया होगा जो शायद हमला करने की सोचता भी नहीं। अगर यहाँ पर दो गार्ड्स होते तो जैसा कि मैंने कहा था। ओह,
ग्रिमलॉक, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी ने मेरे हाथ और पैर निकाल लिए क्या? तुम पर हमला किसने किया था? मुझे सिर्फ अपनी तरफ आते हुए सींग दिखाई दिए। जब कोई पहाड़ से नीचे फेंक दे तो जानते हो कैसा लगता है? नहीं। हाँ, मुझे भी वैसा ही लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द हुआ। ग्रिमलॉक, तुम वापस स्क्रैपयार्ड लौट जाओ और फिक्सर से अपना इलाज करवाओ। अच्छा ठीक है। ओह, तुम उड़ नहीं सकते हो ग्रिम, स्ट्रॉन्ग आर्म इसे ले जाओ। मैं? साइड स्वाइप ने जो किया उसके। ग्रिमलॉक अकेले वापस नहीं जा सकता, और अब मुझे साइड स्वाइप पर यकीन नहीं रहा, इसलिए मैं उसे कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहता हूँ, समझ गई? ये गलत है। जरूरत पड़े तो बुला लेना। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? सिर्फ हम दोनों उससे कैसे लड़ेंगे जिसने ग्रिमलॉक को पागल कर दिया? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है? अगर कैदियों के साथ साथ टीम के लोग भी परेशान करने लगे तो मैं कैसे झेलूंगा साइड स्वाइप? अब आप सुनाना बंद करेंगे? स्पेस ब्रिज, तुम उन्हें रोकने के काम में मुझे बीच में छोड़कर गाना सुनने तो नहीं चले जाओगे? हम उस डिसेप्टिकॉन से बाद में निपट सकते हैं, लेकिन हम उन इंसानों के सामने इस रूप में नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है। मुझ पर भरोसा करके तो देखो। नहीं, नीली से नीली वायर जोड़ो और लाल से लाल। अगर हमने इसे ठीक वैसे नहीं बनाया जैसा कस्पीगो ने कहा है, तो तुम जानते हो वो हमारे साथ क्या करेंगे। और भी महान जीव हैं जो महानता दिखाते हैं और हैवानियत नहीं दिखाते, जैसे कि साइड स्विंगो और मैं बम्बीगो। हमने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तुम हमें नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि हम महान नहीं हैं। कस्पीगो एक बहुत ही बदमाश जीव है। वो एक मुजरिम है। उसने हमारे हुक्म का पालन नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिलेगी। और अगर तुम सबको सजा से बचना है तो यहाँ से चले जाओ इसी वक्त, वरना हमें ये करना होगा। ये बड़े बड़े जीव पेड़ों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अच्छा आइडिया था, है ना? एक अच्छे आइडिया से पिछली बुराइयां धुल नहीं जाएंगी, और मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हो क्या रहा है? मेरे अजीब दिखने वाले पागल मजदूर कहां भाग गए? तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस ग्रह पर तुम्हारी पुलिसगिरी मेरे सामने नहीं चलेगी। और मैं थंडरहूफ हूँ, थंडरहूफ। मैंने साइबरट्रॉन में बहुत से गैर कानूनी काम किए हैं, और तुम्हारी आधी से ज्यादा पुलिस मेरे लिए काम करती थी। वो स्पेस ब्रिज बहुत खतरनाक है, डावाडोल हो सकता है। डावाडोल तो तुम्हारा दिमाग है जो ये सोच रहा है कि तुम मुझे साइबरट्रॉन जाने से रोक सकोगे। देखो साइबरट्रॉनियन भाई भाई होने के नाते एक सुझाव देता हूँ, मेरी मदद करो और तुम भी इस ब्रिज को यूज करो। तुम साइबरट्रॉन जरूर जाओगे थंडरहूफ, लेकिन स्टेसिस पॉड में। बंबल भी, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे पास अपना स्पेस ब्रिज नहीं है, हो सकता है इसका काम कर जाए। अब हमें जिंदगी भर तो पृथ्वी पर नहीं रहना है, है ना? साइड स्वाइप, हम मुजरिमों के साथ सौदा नहीं करते, तुम हमारे साथ चलोगे? जरा इज्जत से पेश आओ। आम तौर पर ये सारे काम मेरे चमचे करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये काम करना याद नहीं। साइड स्वाइप, मदद तो करो। उससे पंगा लिया है तो सजा तो मिलेगी। थंडरहूफ रुको।
बम्बलबी मुझे भी नहीं पसंद। क्या? मैं तंग आ चुका हूँ इसके बात बात पर टोकने और इसके हुक्म का पालन करते करते। मैं इस सिर दर्द देने वाले ग्रह से जाना चाहता हूँ। क्या? शुक्र है यहाँ पर कोई तो अक्लमंद है। चलो बच्चे, हम मिलकर इसका कचुम्बर बना दे। रहने दो, अपना वक्त बर्बाद मत करो, ये तुम्हें नहीं रोक सकता। हम इसे इसी ग्रह पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, ये घर नहीं आ पाएगा। हाँ, ये सजा अच्छी है। ठीक है, चलो। रुको, थंडरहूफ, स्पेस ब्रिज पर चढ़ने से पहले हमारे सारे कनेक्शंस चेक कर लेने चाहिए। तुम एक अक्लमंद बच्चे हो, लेकिन मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मुझे वापस जाकर अपना एम्पायर संभालना है। लेकिन तुम इसमें जाकर क्यों नहीं देखते? रुको! तुम्हें लगा था तुम मेरी साइड लेने की एक्टिंग करोगे तो मैं यकीन कर लूंगा। अब अपने किए की सजा भुगतो। सजा तो तुम्हें मिलेगी, प्रोटोब्लास्टर। ये भी चलेगा? बंद हो गया। मैंने कहा था तुम अंदर पहले जाओगे लड़के, और मैं जो कहता हूँ वही होता है। ऐसा भी होता है? तुमने मुझे एक सेकंड के लिए डरा दिया था साइडस्वाइप। मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। मैं जानता हूँ कभी कभी मेरी हरकतों से ऐसा नहीं लगता। स्पेस ब्रिज में गड़बड़ थी, लेकिन जब थंडरहूफ उसमें गायब हुआ तो टेलीपोर्टेशन जैसा ही लगा था। वो कहाँ गया होगा? साइबोट्रॉन, मैं अब भी इस पिछड़े हुए ग्रह पर फंसा हुआ हूँ। ठीक है, मैं अपना नया एम्पायर यहीं पर बनाऊंगा।
यहाँ पर रहने वाले उन पागलों को गुलाम बनाऊंगा, मैं डराता रहूंगा, वो डरते रहेंगे। कौन हो तुम? ओ माफ करना, थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा, तुम जल्द ही समझ जाओगे ये करना जरूरी था। और अगर तुम यहाँ आजाद रहना चाहते हो तो मेरे साथ साथ रहो, मैं स्टील जो हूँ। ये चाल हुई तो तुम पछताओगे, मैं चालबाजों को छोड़ता नहीं हूँ। साइड स्विंगो बम्बिगो, हमें अपनी छत्र छाया में ले लीजिए। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ मॉडर्न, मेरे झाड़ीदार ताज से दूर रहो। हिंदी स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन बाय सुमिता गांगुली, हिंदी डबिंग डायरेक्टर रूपाली मेहरा, राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, करण त्रिवेदी फॉर बम्बलबी, अनीता डुकानिया फॉर स्ट्रॉन्ग आर्म, रुतार त्रिवेदी फॉर साइड्सवन, हाय दिस इज सुमित कॉल फॉर फिक्स इट, मनीष भवन फॉर डेंग, आदित्य राज फॉर ग्रिमलॉक, अमित ड्योंडी फॉर रसल, आदित्य राज फॉर स्टील जॉ, हिंदी डायलॉग रिकॉर्डिस्ट नितिन।